हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेकंड चैप्टर ब्रिक्स एंड टाइल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जैसे कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है अवर न्यूट्रल और नाइट्राइड बॉन्डेड सिलिकॉन प्लेट और स्लैब डेडोब्लिक स्लैब इज एक्सीलेंट एक्सीलेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंडक्टिविटी रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट ऑफ थर्मल शॉक डिफॉर्मेशन ऑक्साइडेशन ऑक्साइडेशन एंड क्रोजन। क्या होंगे अब हमारे जो नाइट्राइड है ना, बॉन्ड्स जो होते हैं सिलिकॉन्स के, तो वो क्या कहते हैं, जैसे प्लेट्स वगैरह होगी उसमें क्या होता है कि क्रोजन को उसको रोकने से के लिए उसको हाई स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी देने में मजबूती देने में उसको जो मदद करता है। इट वर्क्स वेल एट at high temperature within सिक्सटीन थाउजेंड डिग्री सी। ठीक है, 1600 डिग्री टेम्परेचर पर हाई पे ये अच्छा काम करते हैं जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, जो अच्छा काम करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन फील्ड ऑफ बैटरीफाइड एब्रेसिव्स high aluminum products medium alumina walls
इंडस्ट्रियल फर्नेस, इंडस्ट्रियल फर्नेस, इंडस्ट्रियल फर्नेस, इलेक्ट्रॉनिक सेरामाइड, इलेक्ट्रॉनिक सेरामाइड, इलेक्ट्रॉनिक सेरामाइड एंड सो ऑन। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है फील्ड के अंदर? वेट्रीफाइड एब्रेसिव्स को में और आई एल्यूमिना प्रोडक्ट्स, मीडियम एल्यूमिना बॉल्स में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल फर्नेस और इलेक्ट्रॉनिक सेरामाइड जो है वहां पे जो है इसको यूज किया जाता है। इस प्रकार की बिग्स को जो है यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे सन ड्राइड ब्रिक्स, ठीक है, जो सन या सूर्य के द्वारा सुखाई जाती हैं, वैसे ब्रिक्स जो है सन ड्राइड ब्रिक्स। नेक्स्ट आगे अपना सन ड्राइड ब्रिक्स। नेक्स्ट है सन ड्राइड ब्रिक्स, ठीक है। ये कौन सी ब्रिक्स होते हैं? ए लास्ट मेजर मेथड ऑफ, लास्ट मेजर मेथड ऑफ हडाव कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट मेकिंग सन ड्राइड मेथड, सन ड्राइड ब्रिक्स, ठीक है। दीज ब्रिक्स कैन बी, दीज ब्रिक्स कैन बी हैंड फॉर्मर एंड फॉर्म व्हाट आर नॉर्मली मेड, व्हाट आर नॉर्मली मेड, आर नॉर्मली मेड फ्रॉम रेक्टेंगुलर मोल्ड, रेक्टेंगुलर मोल्ड, मोल्ड नॉन देन लेस, नॉन द लेस इट इज स्टिल हार्ड, स्टिल हार्ड वर्क और वर्क बिकॉज द मड इज सेट इन टू, बिकॉज द मड इज सेट अप टू, अप सेट सेट इन टू mold by hand, the bricks are left, the
are left on the ground. Left on the ground. To dry in the sun. Once dry, they are then joined. They are then joined. There. Join together by a mud mortar. As the bricks, making a unified mass, which is then covered by a mud plaster. ठीक है, क्या कहता है? तो जो अपनी लास्ट जो मेजर मेथड है वो क्या है? वृक्ष को सुखाने के लिए वो सन ड्राइड वृक्ष करते हैं. ठीक है, सूर्य की रोशनी के द्वारा या खुले हवा में रख के जो है वृक्ष को जो है सुखाया जाता है. दी वृक्ष कैन हैंड फॉरवर्ड, ये हाथ के द्वारा जो है बनाई जाती है. ठीक है, मशीन के द्वारा नहीं, हाथ के द्वारा ही. मशीन के द्वारा, हाथ के द्वारा जो है बनाई हुई ब्रिक्स होती है. और ये रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर मोड में जो है उसको अंदर रखा जाता है. तो ये बहुत हार्ड होती है और मड जो उसको जो मिट्टी जो है ना, जो गीली मिट्टी या ड्राइड मैट ब्रिक्स की जो सॉइल होती है ना, तो वो उसके अंदर मोड के अंदर हाथ के द्वारा ही उसको जो है कंप्रेस किया जाता है. द ब्रिक्स आर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड इन ड्राइंग इन द सन. तो सूर्य की रोशनी में इसको जो है रख दिया जाता है सुखाने के लिए. तो वाज ड्राई, एक बार ड्राई होने के बाद दे जॉइंट न्यू है वन मोर्टार. तो वो मोर्टार के अंदर उसको कंपोजिट, उसके अंदर जो है मिक्स कर दिया जाता है मोर्टार को. ठीक है, मड के अंदर. तो मेकिंग द यूनिफाइड मास विच इज देन कवर्ड विद ए मड प्लास्टर. तो एक मड प्लास्टर यार की जो है मिट्टी से उसको ऊपर ढक दिया जाता है या लेप कर दिया जाता है. तो ये था सन ड्राइड ब्रिक्स. तो क्या आ गया लाइन डायग्राम. तो ये आगे तो ये एक प्रकार का ब्रिक्स है. ठीक है, तो नेक्स्ट है तो किलन का लाइन डायग्राम. ठीक है, तो लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं किलन का? तो ये सन ड्राइड ब्रिक्स है. ठीक है,
तो ये इस प्रकार का लाइन डायग्राम जो है लाइन डायग्राम ऑफ किल्न। ठीक है, ये ठीक है, लाइन डायग्राम है किरण का या भट्टी का। ठीक है, ये सेकेंडरी एयर है। ठीक है, ये क्या है, ये बेड है। ये क्या है, ये बेड। ये बेड है, ठीक है, ये कितना है 0.5 मीटर। स्पॉन्ज आयरन है ये जो है, क्या है स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, ठीक है, ये स्पॉन्ज आयरन है। तो ये क्या है फीड, इसमें क्या है फीड है। ठीक है, फीड डाल जाती है, क्या डाल जाती है फीड आयरन। इसकी चीज की आयरन और
कॉल कॉल डोलोमाइट डोलोमाइट ठीक है, ऐसे फीट डाल जाते हैं। ये 5.83 कितने केजी की होती है, 5.83 और 4 या फिर 4.7 या 0.29 केजी ठीक है, इसके अंदर फीट आ जाती है। तो ये अपना एरिया जो है यहाँ से जो है नीचे तक का जो ये एरिया ये कितना होता है 4 मीटर ठीक है, ये 4 मीटर का होता है ठीक है। तो ये क्या करती है यहां से जो है ये फ्लू गैस है ठीक है, इसके अंदर फ्लू क्या है, इसके अंदर फ्लू गैस ठीक है, इसके अंदर फ्लू गैस है 4.3 आरपीएम की 4.3 आरपीएम ठीक है, इसे जो है चक्कर बनता है एक। तो ये नोजल ठीक है, नोजल है, नोजल से ये प्राइमरी एयर है, यहां से प्राइमरी एयर निकलने के लिए ठीक है। ये क्या बना दिया है बर्नर ठीक है, ये क्या है बर्नर और ये एस्कॉल ठीक है। तो जो ये है ये 2.5 डिग्री पे इसको 2.5 डिग्री पे रखा जाता है ठीक है। इसको जो है 2. कोयला कितना आता है 2.427 केजी का पर सेकंड ठीक है। जो इसके अंदर कोयला डाला जाता है वो 2.427 केजी के पर सेकंड के हिसाब से जो है इसके अंदर जो है कोयला डाला जाता है ठीक है। तो ये क्या है बीच में फ्री वर्ड है ठीक है भाई। ये क्या है एक लाइन डायग्राम है ठीक है, इसमें से गैस निकलती है ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्ज आ रहा है डाली गई है तो ये किलन की ठीक है, और ये बेड है ठीक है उसको जिसके ऊपर वो रखा जाता है ठीक है। तो इस ऐसे
जो है ब्रिक्स को जो है गर्म करने के लिए, तो ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये बर्नर, ठीक है, बर्नर से, ठीक है, उसको बर्निंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। धन्यवाद।